आज का क्वेश्चन है, व्हाट इज एन इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल की सिंपलेस्ट डेफिनेशन हो सकती है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। ऐसी कोई भी ऑर्गेनिक स्पीशीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, वो इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं। अब इलेक्ट्रोफाइल करते क्या है, क्योंकि वो खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, दे आर अट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर्स। यानी आप जब रिएक्शन मैकेनिज्म में देखोगे, हर एक इलेक्ट्रोफाइल एक इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे अटैक करता हुआ आपको दिखेगा। ये सब हम डिटेल में रिएक्शन मैकेनिज्म में समझते हैं। अगर इलेक्ट्रोफाइल की स्पेसिफिकली बात की जाए तो जनरली उनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, जनरली, नॉट ऑलवेज। इसको डिटेल में समझने के लिए हम इसके टाइप्स पे चलते हैं। जनरली इलेक्ट्रोफाइल को हम तीन कैटेगरी में डाल सकते हैं। पहली कैटेगरी होती है इनकम्प्लीट ऑक्टेट विद पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज दिखाता है कि इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। एग्जाम्पल इसके बहुत सारे हैं, H+, D+, T+, Br+, NO+, कार्बोकैटायन, जो आप इंटरमीडिएट पढ़ते हो क्लास 11th में, ये सब इलेक्ट्रोफाइल होते हैं और ये पॉजिटिव चार्ज वाली कैटेगरी में लाइक करते हैं। सेकेंड कैटेगरी आती है इनकम्प्लीट ऑक्टेट विद नो चार्ज, यानी ये न्यूट्रल होते हैं। इस कैटेगरी में सारे के सारे लुईस एसिड्स आ जाते हैं। सारे लुईस एसिड्स एक प्रॉपर न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं, पर इनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, जैसे BF3, AlCl3, और ये भी इलेक्ट्रोफाइल ही कहलाए जाते हैं। थर्ड कैटेगरी जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ये उन मॉलिक्यूल्स की होती है जिनमें ऑक्टेट कंप्लीट होता है, स्टिल दे कैन बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल। कैसे? फॉर एग्जाम्पल एल्डिहाइड, ये एक एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, इसमें कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है। अब ऑक्सीजन और कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की ज्यादा है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा, जिसकी वजह से हम इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं पोलराइजेशन। इसकी वजह से पार्शियल चार्जेस आ जाते हैं ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव, क्योंकि उसने पुल किया है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, और कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव। अब कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव का मतलब क्या है, कि एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर बन चुका है, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, और यही इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। आप जब भी कार्बोनिल की रिएक्शन देखोगे, इसी कार्बन पे एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, क्योंकि पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म में कोई भी रिएक्शन देखोगे, एक इलेक्ट्रोफाइल एक न्यूक्लियोफाइल ही रिएक्शन कर रहा होता है। हर एक न्यूक्लियोफाइल एक इलेक्ट्रोफाइल पे ही अटैक करेगा, वही चीज आप कार्बोनिल केमिस्ट्री में भी देखते हो। ये एक और एग्जांपल है एल्कीन। एल्कीन के पास पाई बॉन्ड्स होते हैं, एल्कीन इसलिए इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज कहलाती है, और वो न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में आएगी, जबकि H+ जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो इलेक्ट्रोफाइल होगा। ये क्लास 11th की रिएक्शन होती है, जिसमें एल्कीन पे अगर आप एसिड डालोगे तो एडिशन रिएक्शन शो करता है, इसके आगे कंप्लीट रिएक्शन भी होती है, पर मुझे बस आपको इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की रिएक्टिविटी दिखानी थी। लास्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं इसमें, हर पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप 1 मेटल के कैटायंस, वो इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं, इसीलिए ये सारे इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में नहीं आएंगे। दूसरा H3O+ या NH4+, ये बनते कैसे हैं? जब भी आप वाटर में H+ डाल दोगे, तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इस H+ को डोनेट करके H3O+ बना लेता है। तो ये फॉर्मल चार्ज है, ये एक्चुअल चार्ज नहीं होता है, इसीलिए ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम नहीं करते। ये लास्ट में कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको ध्यान रखने होते हैं, कि हर पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता है।